Dear student, in this video we discuss about the unit 5 colloidal state, origin of charge in the colloidal particle. Colloidal particle में charge का उद्भव कैसे होता है उसको अपन यहाँ discuss करेंगे. तो every colloidal particle always carry electrical charge. The nature of this charge is same on all the particle in a given colloidal solution. It may be positive or negative. प्रत्येक colloidal particle के अंदर कुछ न कुछ electrical charge होता है और वह जो चार्ज है वो सब पार्टिकल पर समान रूप से डिसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अब चार्ज का जो ओरिजिन कैसे होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे. द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल आर गिवन एज बिलो. पहला है ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल आयनो. पहला है सतही अणुओं के वियोजन के कारण. तो सतही अणु के वियोजन के कारण किस तरह से चार्ज का ओरिजिन होता है. दूसरा है ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन. आयनों के चयनात्मक और वर्णात्मक अधिशोषण के कारण. सॉल्यूशन में आयनों के चयनात्मक और वर्णात्मक अधिशोषण के कारण चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है उनको यहां डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल. सतही मॉलिक्यूल की जैसे उदाहरण के लिए अपन यहां बात करते हैं सोडियम पाल्मिटेट. सोडियम पाल्मिटेट फॉर्म होता है C15H31COON. ये जो है किसका मानो फॉर्म है सोडियम पाल्मिटेट. ये एक सरफेस कंपाउंड है साबुन जैसे साबुन से. अगर इसका मान लो जलीय विलयन लिया जाए तो जलीय विलयन में किस तरह से डिसोसिएट होगा ये C15H31COO-. ये किसके रूप में बिहेव करेगा Ni और Na+. ये किसके रूप में बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज. इसलिए क्या कहलाएगा ये कैटाइन. तो इस तरह से अगर अपन देखते हैं सोडियम पाल्मिटेट अगर जलीय विलयन लेते हैं तो ये डिसोसिएट होता है एनायन और कैटाइन के अंदर. अब क्योंकि यहां पर जो धनायन सोडियम आयन है वो विलयन में जो है चला जाएगा जबकि जो ऋणायन है पाल्मिटेट आयन C15H31COO-, ये जो है इसके अंदर जो है कार्बन की जो बड़ी श्रृंखला होगी जो कि होगी जल विरागी नेचर की होगी और उनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो दुर्बल होगा. इसके कारण इनका संगुणन हो जाएगा. इस तरह से जो है सरफेस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से आयनों का फॉर्मेशन होता है. दिस इज द सिंपल रीजन फॉर द जो है ओरिजिन ऑफ चार्ज. नाउ वी डिस्कस द सेकंड पॉइंट ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन. प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन फॉर द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल. कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज का ओरिजिन का मोर मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंसेप्ट है वो क्या है प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द आयन. ठीक है ओके. एन आयनिक कोलाइड एडसॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स ओन लैटिस स्ट्रक्चर. इसके अंदर इसका ये कंसेप्ट है कि इसके अंदर ऐसे आयनों का अधिशोषण होता है जो और ऐसा आयनों का अधिशोषण होता है जो एक जालक में उभयनिष्ठ हो. अर्थात अपन कह सकते हैं उभयनिष्ठ आयनों को जिनका जालक स्ट्रक्चर समान होता है उनका ही यहाँ पर अधिशोषण होता है. इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अपन जो है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का लिया. इसके अंदर अगर अपन पोटेशियम आयोडाइड Ki को एक्सेस के अंदर मिलाते हैं तो ये क्या बनाएगा ये जो है सिल्वर आयोडाइड. तो इसके अंदर क्या है जो Ki के अंदर जो आयोडीन आयन एक्सेस होंगे तो आयोडीन आयन क्या होंगे प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब होंगे. तो इस तरह से जो एक सोल का फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा नेगेटिव चार्ज सोल. ये क्या कहलाएगा नेगेटिव चार्ज सोल. इसको अगर डायग्रामेटिकली अपन रिप्रेजेंट करें तो ये होगा सिल्वर आयोडाइड और इसकी जो सरफेस है उन पर जो आयोडीन ये जो आयोडीन वो नेगेटिवली चार्ज होगा. तो इस तरह से इस तरह से जो सोल बनेगा वो कहलाता है नेगेटिवली चार्ज सोल. तो इस तरह से नेगेटिव आयन का ओरिजिन हुआ.
अगर मान लो के आई के सॉल्यूशन के अंदर सपोज सिल्वर नाइट्रेट को अगर एक्सेस में मिलाते हैं, अगर के आई के सॉल्यूशन में अगर सिल्वर नाइट्रेट को अगर एक्सेस में मिलाते हैं तो अगर सिल्वर नाइट्रेट और के आई की रिएक्शन होगा तो बनेगा तो वही सिल्वर आयोडाइड AgI। पर इसके अंदर यहां पर जो है क्योंकि यहाँ सिल्वर आयन उभयनिष्ठ है तो इसमें एक्सेस में सिल्वर आयन ही प्रेजेंट होंगे तो इसके अंदर एडसॉर्प्शन किसका होगा? सिल्वर आयन का। तो इस तरह से जो सोल बनेगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल, पॉजिटिव चार्ज सोल। इसको अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये AgI और इस पर क्या होगा जो है कौन से आयन? सिल्वर आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इस तरह से सिल्वर आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन का ओरिजिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन से जो है चार्ज का ओरिजिन होता है। इसको अपन एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइज। फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से जो है फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो अगर फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस में अगर अपन जो है वाटर अगर हॉट कंडीशन में लें, कहने का मतलब ये है कि अगर जो फेरिक क्लोराइड को गर्म जल के आधिक्य में मिलाया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है। फेरस ऑक्साइड है वो जल जनित धनात्मक या धनावेश सोल बनाता है। तो कैसे? अगर मान लो ये जो फेरिक क्लोराइड में अगर हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर यूज देते हैं और वाटर अगर वार्म वाटर कंडीशन में ले तो जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड जो बनता है वो फेरस ऑक्साइड जो बनेगा वो धनात्मक क्या होगा? धनात्मक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा XH2O, क्योंकि इस कंडीशन में किसका एडसॉर्प्शन होता है? Fe3। क्यों? कहने का मतलब है कि अगर फेरिक क्लोराइड को गर्म जल के आधिक्य में मिलाया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड का जल योजित धनात्मक या धनावेश सोल बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो Fe+3 जो है धनायनों का अधिशोषण होता है। यदि Fe3 के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर Fe3 के विलयन के अंदर FeCl3 के विलयन के अंदर NaOH को आधिक्य में अगर लिया जाए, अगर NaOH को अगर आधिक्य में मिलाया जाता है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन के अधिशोषण के कारण ऋणावेश सोल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अगर लिया जाए तो इसके अंदर जो सोल बनेगा वो क्या बनेगा? Fe2O3XH2OOH। तो ये तो क्या है, ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली चार्ज सोल, और ये क्या कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज सोल। तो इस तरह से प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन की सहायता से जो है जो चार्ज का जो ओरिजिन होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डबल इलेक्ट्रिक डबल लेयर, जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर का जो फिनोमिना है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।